बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी नेता पवन वर्मा को कड़ा जवाब दिया। पवन वर्मा की चिट्ठी पर गुरुवार को नीतीश कुमार ने कहा कि अगर किसी के पास कोई मुद्दा है तो वह पार्टी या पार्टी की बैठकों में इस पर चर्चा कर सकता है, लेकिन इस तरह के सार्वजनिक बयान आश्चर्यजनक हैं। इसी के साथ उन्होंने पवन वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करने से अच्छा है कि वह जा सकते हैं और किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसे वह पसंद करते हों। आपको बता दें कि पार्टी नेता पवन वर्मा ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान की खुलेआम आलोचना की थी जिसमें मई से सितंबर के दौरान बिहार में NPR लागू करने का ऐलान किया गया था। के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करती है और कुछ चीजों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हम लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं रहते, लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके लिए अगर वो जरूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे, अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे, ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए, मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाए।